और बरकरार। मुल्क भर में अब तक बारंबार मरीजों की मजमूई तादाद 1495 तक पहुंच गई। पंजाब में सबसे ज्यादा 557 मुतासरीन, सिंध में 469, खैबर पख्तूनख्वा में 188, बलोचिस्तान में 133 केस। पच्चीस लोगों की मुकम्मल तौर पर रिकवर होने की रिपोर्ट है। अगर हल्की सी भी तबीयत किसी की ख़राब हो तो उनके अंदर ये उनके दिल में ये ख्याल पैदा होता है क्यों ना इसको मैं चेक करवा लूँ। अगर पाकिस्तान में हर शख्स इस तरह सोचना शुरू हो जाए तो टेस्ट करने के किट्स वो ऐसे लोगों पर ज़ाया हो जाएंगे जिनको इस टेस्ट की शुरू से ज़रूरत सिरे से ज़रूरत ही नहीं। वबा से खौफजदा पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, मुल्क भर में कोरोना के 25 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होने की तस्दीक, कराची के 14 शहरी भी शामिल। लाहौर के PKLI अस्पताल में 23 मार्च को दाखिल होने वाले 18 साल नौजवान को भी डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना के खिलाफ जंग कड़े वक्त में चीन पाकिस्तान की मदद को पहुंच गया। दोस्त मुल्क से इमदादी सामान की खेप और मेडिकल टीम की आमद, 1,05,000 किट्स, 20,00,000 मास्क और 217 वेंटिलेटर्स शामिल। माहिरीन 2 हफ्ते कयाम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर की कोरोना रिलीफ टाइगर्स हैं वो फोर्स हम अनाउंस करने लगे हैं। खास तौर पे कोरोना की जंग में हमें नौजवानों की जरूरत है। बड़ी वबा से निपटने के लिए बड़ी तैयारी, कोरोना रिलीफ टाइगर्स फोर्स की तश्कील का तरीका कार तय। 18 साल से ज्यादा उम्र के सेहतमंद नौजवान सिटीजन पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। हमारा जो मगरबी और मशरकी बॉर्डर है वो 2 मजीद हफ्ते के लिए बंद रहेगा। पैसेंजर ट्रैफिक और तिजारत के लिए ये हमारे बॉर्डर्स बंद हैं। हमारे जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाहें हैं, वो ऑपरेट कर रही हैं। 4 अप्रैल तक बाहर जाने वाली परवाजों पर भी मुमानियत होगी। 679 वेंटिलेटर्स जो हैं उनका ऑर्डर जो है वो बुक कर दिया हुआ है। अगले 1 से 1.5 हफ्ते के दौरान 400 के करीब वेंटिलेटर्स जो हैं वो पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे। 150 के लगभग मुख्तलिफ ममालिक से डोनेशन की शक्ल में भी वेंटिलेटर्स अगले हफ्ते में हमारे पास आ जाएंगे। मगरबी और मशरकी बॉर्डर मसीद 2 हफ्ते के लिए बंद। फ्लाइट ऑपरेशन 4 अप्रैल तक मुअत्तल। क्वारंटीना सेंटर्स में मौजूद अफराद की तादाद 7,180। 679 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दे दिया। मुख्तलिफ शहरों में नई लेबॉरेटरीज कायम करेंगे। मोहित यूसुफ चेयरमैन NTMA और डॉक्टर जफर मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह भर में 10 अरब रुपए की लागत से 25 लाख घरानों को 4,000 रुपए माली इमदाद दी जाएगी। हम डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल जो कोरोना वार्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए 1 माह की इजाफी तनख्वाह बतौर स्पेशल अलाउंस देंगे। 18 अरब रुपए के सूबाई टैक्सेस भी माफ किए जा रहे हैं। पंजाब के 25 लाख खानदानों के लिए 4,000 रुपए माहवार इमदाद, 18 अरब रुपए के सूबाई टैक्स माफ करने का ऐलान। कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को 1 माह की इजाफी तनख्वाह मिलेगी। मजदूर तबके की मुश्किलात का एहसास है, तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का आज़म, मामूली जराय में मुलव्वस कैदियों को 90 रोज़ की रियायत का भी ऐलान। महदूद रहे महफूज रहे। पंजाब में शहरियों को कोरोना से बचाने के लिए बड़ा कदम। ग्रॉसरी जनरल और करियाना स्टोर 8 बजते ही बंद। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की तंबी। मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रहेंगे। सिंध हुकूमत भी वबा से निपटने के लिए सरगर्म, इकदाम मजीद सख्त। सूबे भर में अशियाए खुरनोश और दूध दही की दुकानें शाम 5 बजे बंद। सब्जी मंडियां रात 8 बजे से दिन 12 बजे तक ओपन रखने की हिदायत। कराची में अहम शाहराहों पर पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों का गश्त। लॉकडाउन, सिंध के आवाम को कोरोना से बचाने की कोशिश। शहरियों का भरपूर तआवुन जरूरी है। सेहत के निजाम में बेहतरी पर तवज्जो दे रहे हैं।
मुराद अली शाह का टास्क फोर्स इजलास से खिताब, सूबे की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में कोरोना पर काबू पाने के लिए सख्त इंतजामात, बाराकहू, शहजाद टाउन, रिमशा कॉलोनी में कोरोना स्क्रीनिंग का अमल मुकम्मल, टेस्ट के लिए खून के नमूने इकट्ठे करने का आगाज, रावलपिंडी के इलाके ढोक पराचा, ढोक कश्मीरिया और मजिस्ट्रेट कॉलोनी में भी मुकम्मल लॉकडाउन। कोरोना के खिलाफ जंग, बहरिया टाउन इंतजामिया भी मैदान में आ गई। एनडीएमए और पीडीएमए से मिलकर इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू में आज से स्प्रे का आगाज किया जाएगा, मलिक प्याज। कोरोना से बचाव, पाक फौज के दस्तों की जानिब से आजाद कश्मीर समेत मुल्क भर में सिविल इंतजामिया की मावनत, दाखिली और खारजी रास्तों पर मॉनिटरिंग, ताफ्तान और चमन समेत मुल्क में 182 करंटीना मराकज भी कायम किए गए। ISPR ने कोरोना फंड कायम कर दिया। पंजाब के तमाम लीग अरकान असेंबली और पार्टी अहदेदार अतियात जमा कराएंगे। शहरियों में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी रखने की भी हिदायत। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला, फ्रंट लाइन सोल्जर्स, कौम सलाम पेश करती है। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, चीनी सदर और वजीर आजम के नाम खत में वबा कंट्रोल करने पर मुबारकबाद। दूसरों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डालने वालों को सलाम। लाहौर में डॉक्टर्स, अस्पताल के मसीहा और अमला वबा से लड़ने को मुकम्मल तैयार। वायरस को हौसले और हिम्मत से शिकस्त देने का आज़म। कोयटा, शेखपुरा समेत कई शहरों में तिब्बी अमले को पुलिस दस्तों की सलाम। बैंकॉक एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानियों की गैर मुल्की परवास के जरिए वतन आमद। 21 मार्च से थाईलैंड में वापसी के मुंतजर थे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के बाद करंटीना रवानगी। इटली में एक और क़यामत खेज दिन, कोरोना से मजीद 889 हलाकतें, मजमूई तादाद 10,000 से भी तजावुज, 5,974 नए केस की रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान स्पेन में 674, फ्रांस में 319, बेल्जियम में 64, जर्मनी में 48 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। रोज 260 हलाकतें, बरतानिया में भी सूरत हाल बिगड़ गई। पाकिस्तानी स्क्वाड स्टार आजम खान भी कोरोना के बाइस जाम बहक। कोरोना का फैलाव, अमेरिका में मरीजों की तादाद चीन से भी ज्यादा, 1,16,000 से जायद अफराद मुतासर। 24 घंटों के दौरान मजीद 247 हलाकतें, रियासत मिशिगन आफत ज़दा करार, न्यूयॉर्क में भी हालात खराब। लॉकडाउन के बाइस घरेलू तशद्दुद में इजाफे का खदशा, मौजूदा सूरत हाल में बच्चों और खवातीन को कोई भी मदद मुयस्सर नहीं होगी। तमाम ममालिक हेल्पलाइंस का क्याम यकीनी बनाएं, अक्वामे मुत्तहदा की अपील। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूँ आमना सचार और मैं हूँ उसैर मलिक। बुलेटिन का आगाज ऐसा हम पैगाम के साथ, महदूद हैं तो महफूज हैं, कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, परहेज इलाज से बेहतर है, सफाई निस्फेमान है। मजीद मालूमात के लिए कोरोना हेल्पलाइन 1166 पर राबता करें। आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1495 तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस से 12 अफराद जान की बाजी हार गए हैं और पंजाब में ये तादाद 557, सिंध में 469 है। साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहां पर 188 मरीजों की तादाद हो गई है। बलूचिस्तान में 133, गिलगित बल्तिस्तान में 107, इस्लामाबाद में 39 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना की वबा से खौफजदा पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, मुल्क भर में कोरोना के 25 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो गए।
आपको आगाह कर रहे हैं कि कराची में 14 और लाहौर में एक मरीज सेहत याब हुआ है। PKLI अस्पताल में जेरे इलाज नौजवान को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 23 मार्च को 18 साल नौजवान में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी और कोरोना की वबा से खौफजदा पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर यह है कि मुल्क भर में कोरोना के 25 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो गए हैं। 4 मरतबा ब्रिटिश ओपन स्क्वाश के चैंपियन रहने वाले आजम खान लंदन के अस्पताल में इंतकाल कर गए। आजम खान को कोरोना वायरस के शुबे में लंदन के अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनके टेस्ट मुस्बत आए। स्क्वाश स्टार वबाई मरस से लड़ते हुए खालिक हकीकी से जा मिले। आजम खान के बेटे वासिल खान ने वालिद के इंतकाल की तस्दीक कर दी है। उधर थाईलैंड में फंसे 170 से ज्यादा पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर स्क्रीनिंग की गई। बैंकॉक एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानी वापस वतन पहुंच गए। शहरी खसूसी परवास के जरिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के लिए एयरपोर्ट पर सख्त इंतजाम किए गए। मुसाफिर 21 मार्च से थाईलैंड में फंसे हुए थे। तमाम बैंकॉक एयरपोर्ट पर मुकीम थे। वबाई मरस का मुकाबला करने के लिए पाक फौज की जानिब से मुल्क भर में 182 करंटीना सेंटर कायम किए गए हैं। दाखिली और खारजी रास्तों पर फौजी दस्ते तैनात हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज विफाक और सूबाई इंतजामिया की मावनत कर रही है। मुल्क में 182 से ज्यादा करंटीना सेंटर्स कायम किए गए हैं। चमन 800, लंडी कोतल 1500 और ताफ्तान में 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल मरकज बनाए गए। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स के जरिए तिबी आलात, वेंटिलेटर, मास्क, मेडिकल और टेस्टिंग किट्स की मुंतकली की गई। कराची, लाहौर और मुल्तान के एक्सपो सेंटर में करंटीना के कयाम में हुकूमत की मुआवनत की जा रही है। उधर भारत में भीड़ से बचने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई। शहरों में मजदूरी के लिए आए हुए लाखों लोग घरों की जानिब चल पड़े तो हुजूम काबू से बाहर हो गया। रेलवे हुकाम का 6 मुसाफिर ट्रेनें चलाने पर गौर। लॉकडाउन के दौरान रेलगाड़ियां चलाने का हतमी फैसला वजीर आजम और सूबों की इजाजत के बाद किया जाएगा। वफाकी सेक्रेटरी रेलवे की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें अवाम की सहूलत के लिए 6 ट्रेनें बहाल करने की तजावीज़ पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक लाहौर और पेशावर से 2-2 रेल गाड़ियाँ कराची जाएंगी। कराची और लाहौर से भी 1 ट्रेन कोयटा के लिए चलेगी। इजलास में मुसाफिरों की तादाद महदूद करने पर भी गौर किया गया। तहम हतमी फैसला वज़ीर आज़म और सूबों की इजाज़त के बाद होगा। खबर कराची से, जहां कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन मजीद सख्त कर दिया गया। मार्केट्स, मेडिकल स्टोर समेत दीगर जरूरी दुकानें 5 बजे बंद कर दी गई। सूबे में पेट्रोल पंप्स भी 5 बजे बंद कर दिए गए। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद तेजी कर दी। कराची में सुबह 8 बजे खुलने वाले मार्ट्स, मेडिकल स्टोर समेत किराना की दुकानें 5 बजे बंद करा दी गईं। पुलिस, रेंजर समेत दीगर इंतजामिया मुतहरक हो गई। दुकानें बंद कराने के बाद पुलिस और रेंजर्स ने मुख्तलिफ इलाकों में गश्त किया और शहरियों को घरों में रहने की तलकीन की। अपने अपने घरों में रहें। नए हुक्मनामे पर अमल करते हुए पेट्रोल पंप्स भी बंद करा दिए गए। पुलिस, रेंजर्स और ट्रैफिक पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नाकों को मजीद सख्त कर दिया। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर 35 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए गए। और मुआवने खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का ये कहना है कि हर किसी ने टेस्ट करवाना शुरू कर दिया तो वो लोग रह जाएंगे जिनको ज्यादा जरूरत है। मोहित यूसुफ ने ये कहा कि मगरबी और मशरकी बॉर्डर मसी 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे, बंदरगाहें ऑपरेट कर रही हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने बताया 600 टेस्ट किट्स पाकिस्तान पहुंच चुकी है, 400 वेंटिलेटर जल्द आ जाएंगे। अगर हल्की सी भी तबीयत किसी की खराब हो तो उनके अंदर ये उनके दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि कहीं मुझे कोरोना वायरस की डिज़ीज़ ना हो गई हो, लिहाजा क्यों ना इसको मैं चेक करवा लूँ। अगर पाकिस्तान में हर शख्स इस तरह सोचना शुरू हो जाए तो हमारे पास जो इस वक्त इस्तेतात है, जो नंबर हैं हमारे पास टेस्ट करने के किट्स के हवाले से, वो ऐसे लोगों पर ज़ाया हो जाएंगे जिनको इस टेस्ट की शुरू से ज़रूरत, सिरे से ज़रूरत ही नहीं।
اور ان لوگوں کے لیے ٹیسٹ کی کمی واقع ہو جائے گی کہ جن کے ٹیسٹ ہونے چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ اثر و رسوخ رکھتے ہیں تو کسی سے بات کر کے تو آپ ٹیسٹ یہ کروا لیں گے۔ اس رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ سفارشیں ہر چیز کا حل نہیں ہوتی بلکہ اس سے نقصان ہوتا ہے۔ ہمارا جو مغربی اور مشرقی بارڈر ہے وہ دو مزید ہفتے کے لیے بند رہے گا۔ پیسنجر ٹریفک اور تجارت کے لیے یہ ہمارے بارڈرز بند ہیں، افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ بھی اور ہندوستان کے ساتھ بھی، اور اس میں کرتارپور کوریڈور بھی شامل ہے۔ ہمارے جو پورٹس ہیں، بندرگاہیں ہیں، وہ آپریٹ کر رہی ہیں۔ 4 اپریل تک باہر جانے والی پروازوں پر بھی ممانعت ہوگی۔ ہمارے یہاں 2 فلائٹس آئی ہیں، ایک کارگو پلین تھا جو چھوٹا لوڈ لے کے آیا تھا اور اس میں وہ 600 کٹس لے کے آیا تھا ٹیسٹنگ والی۔ ایک ووہان ہماری فلائٹ گئی ہوئی ہے، اس فلائٹ میں ہمارے پاس سب سے جو کارآمد چیز ہے وہ 15 وینٹیلیٹرز ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں پروٹیکشن کا سامان ہے جو ہمارے آنے والے دنوں میں جو ہم نے اپنے بچوں سے وعدہ کیا ہوا ہے اس کو اس سے پورا کیا جائے گا۔ 679 وینٹیلیٹرز جو ہیں ان کا آرڈر جو ہے وہ بک کر دیا ہوا ہے۔ اگلے 1 سے 1.5 ہفتے کے دوران 400 کے قریب وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ پاکستان میں پہنچ جائیں گے۔ 150 کے لگ بھگ مختلف ممالک سے ڈونیشن کی شکل میں بھی وینٹیلیٹرز اگلے ہفتے میں ہمارے پاس آ جائیں گے۔ ہمارے پاس اکوپمنٹ مشینیں موجود ہیں، ہم نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کو ری انفورس کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے 25 لاکھ خاندانوں کو 4000 روپے ماہانہ دینے کا اعلان کر دیا۔ کرونا سے لڑنے والے طبی عملے کو بھی ایک تنخواہ اضافی ملے گی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بستار نے معمولی جرائم میں ملوث قیدیوں کی سزا 90 روز کے لیے معطل کر دی۔ صوبہ بھر میں 10 ارب روپے کی لاگت سے 25 لاکھ گھرانوں کو 4000 روپے مالی امداد دی جائے گی۔ 18 ارب روپے کے صوبائی ٹیکسز بھی معاف کیے جا رہے ہیں۔ ہم ڈاکٹرز اور ہیلتھ پروفیشنل جو کرونا وارڈ میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے 1 ماہ کی اضافی تنخواہ بطور اسپیشل الاؤنس دیں گے۔ پنجاب کی جیلوں میں کرونا وبا کی روک تھام کے لیے قیدیوں کی 90 روز کے لیے سزا معطل کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ پنجاب میں تقریباً 3100 قیدی اس سے مستفید ہوں گے۔ اس فیصلے کا اطلاق سنگین جرائم میں ملوث قیدیوں پر نہیں ہوگا۔ It's Sayyeda Shinaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.